नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, पिछले दिनों हमने देखा था जिस टाइम पर पूरी दुनिया कोरोना वायरस से तबाह हो चुकी थी और कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया काफी परेशान थी, तो उस टाइम पर अगर कोई मसीहा बनकर सामने आया था तो वो थे सोनू सूद। लेकिन अभी हाल ही में सोनू सूद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सोनू सूद को बीएमसी ने भेजा नोटिस, बिल्डिंग से अवैध निर्माण हटाने को कहा है। सोनू सूद को बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस सोनू सूद को जुहू स्थित एक रेजिडेंट बिल्डिंग को होटल बनाने और उसमें अवैध निर्माण को लेकर भेजा गया है। 15 नवंबर को जारी हुए नोटिस में सोनू सूद से कहा गया है कि वह इस 6 मंजिल की इमारत को होटल से वापस रेजिडेंटियल बिल्डिंग में तब्दील करें। इस साल की शुरुआत में बीएमसी ने सोनू सूद को अपने जुहू होटल को वापस रेजिडेंट बिल्डिंग में बदलने और बिल्डिंग में किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा था। सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी की बात मानी थी, होने को कहा था कि वह खुद ही इस बिल्डिंग को रिनोवेट करेंगे। हालांकि नए बीएमसी नोटिस में कहा गया है कि सोनू ने अभी तक बिल्डिंग को रिनोवेट नहीं किया है। तो जहां अभी हाल ही में जैकलिन फर्नांडिस की परेशानी बढ़ी है, आप सभी के सामने ही थी जैकलिन फर्नांडिस, तो वहीं अब सोनू सूद की भी परेशानी बढ़ने वाली है और सोनू सूद को भी नोटिस मिल चुका है। बीएमसी के नए नोटिस में सोनू सूद को संबोधित करते हुए लिखा गया है, आपने अपने पत्र में कहा था कि आपने बिल्डिंग की मौजूदा पहली से छठी मंजिल में रहने खाने की गतिविधि बंद कर दी है। इसका उपयोग स्वीकार की गई प्लानिंग के अनुसार रेजिडेंट के लिए किया जाएगा। साथ ही में आपने उस आवश्यक कार्य का भी उल्लेख किया है। बीएमसी के नोटिस में आगे लिखा है, साथ ही आपने उल्लेख किया था कि जोड़ने, बदलने, पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक कार्य प्रगति पर है। इस कार्यालय बीएमसी का कार्यकाल ने 20 तारीख 10वां महीना 2021 को साइट का निरीक्षण किया। इसमें देखा गया है कि आपने अभी तक स्वीकृत योजना के अनुसार काम शुरू नहीं किया है। एक्टिविस्ट गणेश कुसुमुलू ने सोनू सूद पर आरोप लगाया था कि उन्होंने होटल को बदलकर गर्ल्स हॉस्टल बना दिया है, इसके लिए इमारत को तोड़ दिया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद ने इमारत को रिनोवेट कर दिया है। उन्होंने बीएमसी को इस बात की जानकारी दे दी है। सोनू ने कहा कि इस इमारत में कोई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से सोनू सूद लगातार बीएमसी को विश्वास दिला रहे हैं कि उन्होंने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है। तो वहीं मैं आपको बता दूं, बीएमसी वाले लगातार सोनू सूद को नोटिस भेज रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या सोनू सूद ने रियल में इस घर के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है। इसके अलावा सोनू सूद ने इस घर को रिनोवेट किया भी है या फिर नहीं किया है, ये भी जानने के लिए बीएमसी अब सोनू सूद को नोटिस भेज रही है। यानी कि बॉलीवुड के बुरे दिन चालू हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में देखने को मिला है कि जैकलिन फर्नांडिस का अभी हाल ही में एक बेहद ही खतरनाक शख्स के साथ संबंध निकल कर आया है, जिसके बाद जहां जैकलिन फर्नांडिस को अरेस्ट कर लिया गया है, तो वहीं अब सोनू सूद की भी परेशानी बढ़ सकती है। और जो सोनू सूद कोरोना काल में मसीहा बनकर खड़े थे, वहीं अब सोनू सूद बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि बीएमसी के नोटिस मिलने का मतलब आप सभी समझ सकते हैं कि सोनू सूद से हाई लेवल की इंक्वायरी अब होने वाली है। तो यही था इस वीडियो में, आप सभी कमेंट करके बताना कि क्या बॉलीवुड के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।